नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर दूँगा आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नवे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि फैक्ट्स अबाउट क्रिसमस पार्ट 3। हाँ दोस्तों, मैं आज आपको क्रिसमस के ऊपर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट के हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बना चुका है, जो कि लिंक उसकी आई बटन पर आ रही होगी, तो वो लिंक क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो के सबसे पहले फैक्ट की। तो दोस्तों, 98% जो भी क्रिसमस ट्री रहता है वो फार्म्स में ही ग्रो होता है। और दोस्तों, 350 मिलियन क्रिसमस ट्री को करंटली ग्रो होता है US में, और उसमें से खाली 2% ऑफ द क्रिसमस ट्री कटता है। मतलब कि 96% रिसोर्स वो लोग बचा के रखते हैं। तो दोस्तों, सेकंड फैक्ट की बात करें तो क्या आपको पता है कि क्रिसमस ट्री में लाइट लगाने की ट्रेडिशन किसने चालू किया था? दोस्तों, इसको चालू किया था मार्टिन लूथर किंग ने इन 16th century। दोस्तों, थर्ड फैक्ट की बात करें तो आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री जो होता है इसको ओरिजिनेट किया था जर्मनी ने इन 19th century में। दोस्तों, फोर्थ फैक्ट की बात करें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्रिसमस ट्री को रिसाइकल करते हैं। दोस्तों, US में 4000 से भी ज़्यादा क्रिसमस ट्री रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं। दोस्तों, फिफ्थ फैक्ट की बात करें तो क्या आपको पता है कि क्रिसमस ट्री को कितने दिन तक संभाल के अच्छे से रखा जा सकता है? दोस्तों, एक थियोरी के हिसाब से क्रिसमस ट्री को अगर आप प्रॉपर केयर करके रखते हैं तो उसको लगभग 5 वीक या उससे थोड़ा ज़्यादा तक संभाल के अच्छे से रख सकते हैं ओरिजिनल क्रिसमस ट्री को। तो दोस्तों, सिक्स फैक्ट की बात करें तो क्रिसमस ट्री क्रिसमस में लगाने की ट्रेडिशन रोमन्स और इजिप्शियंस ने चालू किया था। दोस्तों, सेवन फैक्ट की बात करें तो क्रिसमस का ट्रेडिशनल मील होता है इंग्लैंड में पिग्स हेड कवर्ड विद मस्टर्ड। और दोस्तों, एट फैक्ट की बात करें तो 13 ईयर्स तक क्रिसमस को एक जगह बैन किया गया था। दोस्तों, 1647 से लेके 1660 तक क्रिसमस को UK में बैन किया गया था। और दोस्तों, इसका कारण था इंग्लिश सिविल वॉर। दोस्तों, नाइन फैक्ट की बात करें तो सबसे पहला क्रिसमस क्रैकर बनाया गया था लंदन में इन 1847, और इसको बनाया था टॉम स्मिथ ने। दोस्तों, टेन फैक्ट की बात करें जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दोस्तों, दिसंबर 1965 में जिंगल बेल करके जो बहुत ही फेमस सॉन्ग है क्रिसमस का, वो सॉन्ग को सबसे पहले ब्रॉडकास्ट किया गया था स्पेस में फ्रॉम जेमिनी 6। दोस्तों, लेंथ की बात करें तो 1901 से प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट ने बैन किया है क्रिसमस ट्री को इन व्हाइट हाउस अमेरिका में। दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी फैक्ट मतलब कि 12th फैक्ट की बात करें तो रुडोल्फ द रेड नोज रेनडियर, जो कि आप जानते ही होंगे इसको, तो दोस्तों इसको इन्वेंट किया था US के फर्म ने एक क्रिसमस प्रमोशन द्वारा, जो कि 1938 में वो प्रमोशन हुई थी। तो दोस्तों, यही था छोटा सा वीडियो जिसमें आप सभी को मैं अच्छे अच्छे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था क्रिसमस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस।